मधुबनी में कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। यात्रा का मकसद कांग्रेस के विजन को लोगों के बीच ले जाना है, राज्य और केंद्र सरकार की विफलताओं को लोगों के बीच ले जाना है। इस मौके पर यात्रा प्रभारी अजय कुमार लल्लू, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत नैनीताल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि राहुल गांधी ने भारत छोड़ो यात्रा से पूरे देश में एकजुटता का संदेश दिया है और उसे अब हम भारत की गली गली तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह यात्रा उन ताकतों को जवाब है जो जनता की आवाज को चलने का काम कर रही हैं और कुचल रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम जनता के साथ मिलकर राज्य और केंद्र सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भारत की जनता एकजुट है। उन्होंने सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का भी आरोप लगाया और कहा कि इसीलिए सरकार सीबीआई जांच की मांग को नजरअंदाज कर रही है। विधायक सुमित हृदयेश ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जनता की आवाज बनकर उभरेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देश में बढ़ती हुई हिंसा, उन्माद के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक संगठन और बहुत सारे बुद्धिजीवियों के साथ एक यात्रा की। देखिए, देश में सहिष्णुता बनी रहे, देश एकजुट हो, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सदाचार और देश में भाईचारा और मजबूत हो, और आज जरूरत भी है देश को एकजुट करने की। भारत जोड़ो यात्रा की जो भव्यता थी उस श्रृंखला में आगे ले जाते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक उन्माद जो फैला के भारतीय जनता पार्टी राज कर रही, एक दो लोगों को पूरी इस देश की आर्थिक संपदाएं बेच दी, नीलाम कर दी, और जो हमारे नवरत्न है धीरे धीरे डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत सारी आवश्यकता है। समय की हर घर तक कांग्रेस का संदेश हम पहुंचाएं। श्रृंखला में लल्लू साहब आज यहाँ आए, उनका स्वागत करते हैं। संघर्षशील है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ कोऑर्डिनेटर है, उनका स्वागत भी है। और आज बहुत यात्रा।